नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम एक बार फिर से। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे और चेक करेंगे N8 अल्ट्रा। तो दोस्तों, ये क्लोन वर्जन है एप्पल वॉच 8 अल्ट्रा का, एंड ये दोस्तों बिल्कुल 1:1 कॉपी है एप्पल वॉच 8 अल्ट्रा की। एंड दोस्तों, ये जो वॉच है ये है एक्चुअल वॉच, यहाँ पे आप देख सकते हो। देखिए, बिल्कुल ही आपको ओरिजिनल वॉच जैसा डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है, बिल्कुल एग्जैक्टली। एंड यहाँ पे डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी भी इस वॉच की आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिल जाती है। एंड ये दोस्तों वॉच हमने परचेज की है सिर्फ 3,500 रुपये में। तो चलिए दोस्तों, कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, चेक करते हैं इस वॉच को, देखते हैं कैसी ये वॉच है, क्या इसमें खास है, कैसी इसकी बिल्ड क्वालिटी है, क्या फीचर आपको इस वॉच में मिल जाते हैं, कैसी इस वॉच की परफॉर्मेंस है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, सब्सक्राइब कर दिया करो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है N8 अल्ट्रा, एप्पल वॉच 8 अल्ट्रा का क्लोन वर्जन है ये। एंड बिल्कुल देखिए, सेम टू सेम आपको यहाँ पे डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, बिल्कुल ही अल्ट्रा के जैसा ही। एंड देखिए, ऐसा कुछ आपको बॉक्स देखने को मिल जाता है। एंड ये दोस्तों जो डायल है, देखिए गोल्डन कलर में, बट आपको सिल्वर कलर में भी मिल जाएगा। एंड यहाँ पे बैक साइड देखिए तो देखिए सीरीज 849mm यहाँ पे शो किया हुआ है। एल्युमिनियम केस आपको मिल जाता है। एंड यहाँ पे देखिए आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.2 मिल जाता है। एंड यहाँ पे देखिए आपको 2 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, 380mAh की बैटरी मिल जाती है, IP68 वाटर प्रूफ है ये वॉच। एंड यहाँ पे देखिए आप वेयर फिट प्रो ऐप यूज़ करके इस वॉच को अपने फ़ोन से पेयर कर सकते हो। एंड ऐसा कुछ आपको बॉक्स मिल जाता है। एंड यहाँ पर दोस्तों आपको ये वाले जो स्ट्रैप है ये अलग से परचेज करने पड़ेंगे। ये देखिए, ये ऑरेंज कलर में है एंड ये आपको ब्लैक कलर में भी मिल जाएगा, क्योंकि बॉक्स में जो स्ट्रैप मिलता है वो थोड़ा अलग टाइप का स्ट्रैप मिलता है। तो चलिए दोस्तों, बॉक्स ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसे कुछ ये बॉक्स पैकेजिंग आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों, ये है हमारी वॉच एप्पल वॉच 8 अल्ट्रा का क्लोन वर्जन, और देखिए बिल्कुल ही ओरिजिनल एप्पल वॉच जैसा यहाँ पे आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। एंड बिल्ड क्वालिटी भी यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको ये वेलक्रो वाला स्ट्रैप मिल जाता है इस वॉच में। एंड यहाँ पे ये वाला देखिए ऐसा कुछ स्ट्रैप है, तो ये स्ट्रैप भी आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको देखिए वायरलेस चार्जर मिल जाता है इस वॉच में, तो वायरलेस चार्जिंग वाला फीचर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है इस वॉच में। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको एक यूज़र मैनुअल मिल जाती है, ये इंग्लिश में भी है एंड काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में है, आप चाहो तो यूज़र मैनुअल भी पढ़ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस वॉच को भी हम रैपर से बाहर निकाल लेते हैं, देखते हैं कि कैसे इसकी बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग है। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल ही ओरिजिनल एप्पल वॉच 8 अल्ट्रा यहाँ पे देखिए लग रही है ये वॉच। देखिए यहाँ पे आपको क्राउन बटन देखने को मिल जाता है, माइक मिल जाता है, यहाँ पे बटन दे रखा है दूसरा वाला। एंड इस साइड अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे आपको स्पीकर भी मिल जाता है, ये दूसरा वाला बटन भी मिल जाता है ऑरेंज वाला। एंड यहाँ पे आपने स्ट्रैप लगाने हैं, ये देखिए। एंड यहाँ पे आपको देखिए 2 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, 2 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है। एंड यहाँ पे बैक साइड देखिए वायरलेस चार्जिंग आपको मिल जाती है, यहाँ पे आपको सेंसर भी मिल जाते हैं, बट यहाँ पे आपको फेक सेंसर मिलते हैं, ओरिजिनल सेंसर आपको नहीं मिलते हैं। बट यहाँ पे डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग आपको इस वॉच में देखने को मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, इस स्ट्रैप अभी लगा लेते हैं इस वॉच में। तो ये दोस्तों ऑरेंज वाला स्ट्रैप मैं लगा रहा हूँ अभी, आप चाहो तो ब्लैक वाला भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी सारे डिफरेंट कलर्स में आपको मिल जाएगा। एंड देखिए दोस्तों, स्ट्रैप लगाने के बाद देखिए बिल्कुल ही ओरिजिनल वॉच लग रही है, बिल्कुल ही एप्पल वॉच 8 अल्ट्रा ओरिजिनल लग रही है। एंड यहाँ पे स्ट्रैप की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, बट ये स्ट्रैप आपको बॉक्स में वॉच के साथ नहीं मिलता है। तो चलिए दोस्तों, वॉच को अभी हम ऑन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, वॉच अभी हमारी ऑन हो चुकी है, और यहाँ पे डिस्प्ले देख सकते हो आप, डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। एंड यहाँ पे बेजल भी काफ़ी कम दे रखे हैं, चारों तरफ से बेजल काफ़ी कम है। तो चलिए इसे फ़ोन से पेयर कर लेते हैं। तो पेयर करने के लिए दोस्तों, आपने ये ऐप अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर लेनी है, फिट प्रो ऐप है, वेयर फिट प्रो ऐप, ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी। तो चलिए इसे इंस्टॉल कर लेते हैं अभी हम। एंड यहाँ पे दोस्तों आपने इस ऑप्शन में जाना है, ऐड डिवाइस वाले ऑप्शन में, एंड आपने इसे अलाउ कर देना है। एंड यहाँ पे आपने स्कैन करना है, तो देखिए यहाँ पे वॉच शो करेगी N8 अल्ट्रा, ये देखिए वॉच शो कर रही है। तो जस्ट आपने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लेना है अपने स्मार्टफोन से। तो देखिए दोस्तों, वॉच अभी हमारे स्मार्टफोन से पेयर हो रही है, ये देखिए पेयरिंग सक्सेसफुल आ चुका है। एंड देखिए यहाँ पे आ रहा है कनेक्शन सक्सेस। तो दोस्तों, वॉच अभी हमारे स्मार्टफोन से पेयर हो चुकी है। एंड यहाँ पे देखिए एक अपडेट आई थी, तो मैंने वॉच को अपडेट भी कर दिया है, और वॉच अभी हमारी देखिए अपडेट हो रही है।
एंड यहाँ पे दोस्तों आपको इस वॉच में ब्लूटूथ कॉलिंग वाला फीचर भी मिल जाता है। तो आपने फ़ोन के ब्लूटूथ में जाके यहाँ पे वॉच को कनेक्ट कर लेना है। देखिए वॉच कॉल करके शो करेगी, तो आपने इसको भी कनेक्ट कर लेना है, अदरवाइज़ जो ब्लूटूथ कॉलिंग वाला फीचर है वो काम नहीं करेगा। तो देखिए इसे हम पेयर कर लेते हैं अभी। तो देखिए दोस्तों वॉच अभी हमारे स्मार्टफोन में देखिए ब्लूटूथ में भी पेयर हो चुकी है और दोस्तों वॉच अभी यूज़ करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। तो चलिए आपको इस वॉच के सारे फीचर दिखा देता हूँ, उसके बाद हम मोबाइल ऐप को भी चेक करेंगे। एंड दोस्तों इस साइड अगर आप स्लाइड करते हो तो देखिए यहाँ पे आपको स्प्लिट स्क्रीन देखने को मिल जाती है। एंड ऊपर से नीचे की तरफ अगर आप स्लाइड करते हो तो देखिए यहाँ पे आप देखिए टाइम देख सकते हो, यहाँ पे आपको देखिए डेट दिख जाती है। एंड यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप जो ब्लूटूथ कॉलिंग है उसे अनेबल या डिसेबल कर सकते हो, ये देखिए। एंड यहाँ से आप देखिए वॉच में जो लोकेशन है अपनी वो भी सेट कर सकते हो। एंड यहाँ से आप वॉच की स्क्रीन को लॉक भी कर सकते हो। तो देखिए जो वॉच की स्क्रीन है अभी लॉक हो चुकी है, देखिए कुछ नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे आप क्राउन बटन को होल्ड करके इस स्क्रीन को देखिए अनलॉक भी कर सकते हो, ये देखिए स्क्रीन अनलॉक हो चुकी है। एंड इसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे देखिए आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाता है अली पे वाला। तो ये तो चाइना में यूज़ होता है, इंडिया में यूज़ नहीं हो पाएगा, इसको अभी हम बैक कर देते हैं। एंड नेक्स्ट ऑप्शन देखें तो यहाँ पे देखिए आपको फाइंड फ़ोन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है इस वॉच में। एंड यहाँ पे आपको देखिए कुछ ये ट्रेनिंग वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एंड इसके बाद यहाँ पे देखिए आप बैटरी देख सकते हो वॉच में कितनी बैटरी है, कितनी चार्ज है वॉच। एंड यहाँ पे आपको पेमेंट वाले कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, ये देखिए। एंड इसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये ऑप्शन मिल जाता है आपको, वीडियो प्लेयर का ऑप्शन है। तो अगर आप फ़ोन में कोई वीडियो वगैरह देख रहे हो तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। यहाँ से आप दोस्तों वीडियो की देखिए वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हो, फॉरवर्ड रिवर्स कर सकते हो, ये देखिए। एंड इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन मिल जाता है। एंड इसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ से आप ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो, डिस्प्ले में आपको काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है इस वॉच में। तो अभी के लिए हम इसे कम कर देते हैं थोड़ा, ये देखिए। एंड इसके बाद यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पे देखिए आपको ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर मिल जाता है। तो इस वॉच में आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी रह सकते हो। एंड यहाँ पे देखिए एक फीचर है कुछ, ये देखिए यहाँ पे चाइना में ही चलेगा ये फीचर। एंड इसके बाद यहाँ पे देखिए एनएफसी का आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो एनएफसी के लिए आप वॉच को सेट कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको अलार्म का भी ऑप्शन मिल जाता है। एंड यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ अगर आप स्लाइड करते हो तो यहाँ पे आपको सारे नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे अगर हम इस साइड अगर हम स्लाइड करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको सारी एक्टिविटी की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, स्टेप्स, कैलोरीज़, कितना डिस्टेंस आप चले हो। इसके बाद यहाँ पे आपको वेदर की इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पे आपको हार्ट रेट का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको मैं एलईडीज़ दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे रेड कलर की एलईडीज़ आपको इस वॉच में देखने को मिल जाती है। बट यहाँ पे दोस्तों आपको इस वॉच में कोई सेंसर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको म्यूज़िक कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ पे आपको SPO2 का ऑप्शन मिल जाता है, ये देखिए। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको इस वॉच में देखिए जो विजिट्स है वो आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो विजिट्स को दोस्तों आप यहाँ पे देखिए ऐड या रिमूव कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी ऑप्शन है कि यहाँ पे आप विजिट्स को चेंज कर सकते हो इस वॉच में। एंड यहाँ पे दोस्तों इस वाले बटन को अगर आप साइड वाले बटन को प्रेस करते हो तो यहाँ पे देखिए आपको ये स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको इस बटन को कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन मिलता है। तो आप अपने यूज़ के अकॉर्डिंगली इस बटन को कस्टमाइज़ करके जो भी आप ज़्यादा फीचर यूज़ करते हो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो इस बटन में। एंड इस साइड अगर आप इस बटन को प्रेस करते हो तो देखिए यहाँ पे आप मेन मेन्यू में जा सकते हो। तो यहाँ पे आपको वॉच में सारे जो फीचर है वो यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे अगर आप क्राउन बटन भी प्रेस करते हो तो इससे भी देखिए दोस्तों आप यहाँ पे मेन मेन्यू में एंटर कर सकते हो, ये देखिए। तो यहाँ से भी देखिए सारे फीचर आप यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे देखिए जो क्राउन है वो भी वर्किंग है, तो यहाँ से आप देखिए जूम इन या जूम आउट भी कर सकते हो। तो ये देखिए बिल्कुल ओरिजिनल की तरह ये क्राउन भी वर्किंग है। तो चलिए दोस्तों आपको सारे के सारे जो फीचर है वो बता देता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज काफ़ी सारे फीचर आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे रीस्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है, तो वॉच को आप रीस्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखें तो टाइमर का ऑप्शन आपको इस वॉच में देखने को मिल जाता है। एंड इसके बाद यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे देखिए आपको ये साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से आप देखिए साउंड की सेटिंग या वाइब्रेशन की सेटिंग कर सकते हो इस वॉच में, ये देखिए। वाइब्रेशन को आप ऑफ भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाता है फैक्ट्री रीसेट का, वॉच को आप फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको देखिए वेदर की इन्फॉर्मेशन वाला ऑप्शन मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको देखिए म्यूज़िक कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, सेटिंग वाले ऑप्शन है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग से देखते हैं सेटिंग में आपको क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ से देखिए आप रिस्ट टू राइज वाला जो फीचर है वो यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे देखिए आपको बैड साइड क्लॉक का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए तो स्क्रीन ऑन टाइम जो है वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ऑफ स्क्रीन में आपने कितना टाइम रखना है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर आपको यहाँ पे मिल जाता है, ये देखिए। एंड यहाँ पे देखिए मैक्सिमम टाइम अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा टाइम दे रखा है, 600 सेकेंड्स का। यहाँ पे 30 सेकेंड में आप स्क्रीन ऑन टाइम भी रख सकते हो इस वॉच में मैक्सिमम, देखिए। एंड इसके बाद यहाँ पे देखिए तो लैंग्वेज का ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप टाइम सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, तो टाइम भी आप सेट कर सकते हो। एंड यहाँ पे देखिए आपको ये देखिए तो वॉच का टाइम आप डायरेक्टली सेट कर सकते हो।
यहाँ पे आप 24 आवर या 12 आवर्स में भी टाइम रख सकते हो। यहाँ पे आपको ब्राइटनेस का ऑप्शन दोबारा से मिल जाता है सेटिंग में, एंड यहाँ पे आप कॉल की सेटिंग भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको इनकमिंग कॉल में वाइब्रेशन होनी चाहिए, यहाँ पे आपको देखिए वाइब्रेशन ऑफ रखनी है तो वो भी आप रख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन देखें तो देखिए सारे ऑप्शन वापस आ रहे हैं, देखिए साउंड एंड वाइब्रेशन। एंड इसके बाद यहाँ पे देखें तो ये जो साइड वाला बटन है इसकी सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो सेटिंग में जाके, तो कौन सा फीचर आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हो वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर आपको मिल जाते हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ पे देखिए फ़ोन वाला फीचर सेट कर देते हैं। तो अभी हमने इसे फ़ोन में यूज़ कर लिया है, तो आप अपने यूज़ के अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो इस बटन को। एंड यहाँ पे आपको देखिए डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन मिल जाता है, एंड यहाँ पे आपको देखिए हेल्थ रिमाइंडर्स का ऑप्शन मिल जाता है, तो सेडेंट्री अलार्म, ड्रिंकिंग रिमाइंडर, यहाँ पे देखिए मेडिसिन रिमाइंडर आपको मिल जाता है, देखिए रीडिंग रिमाइंडर मिल जाता है, ट्रिप रिमाइंडर मिल जाता है। तो यहाँ पे आप रिमाइंडर यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ से देखिए आप पावर सेविंग मोड यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आपको पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाता है। एंड यहाँ से देखिए आप वॉच को कनेक्ट करने के लिए ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एंड यहाँ से आप वॉच को शट डाउन कर सकते हो, ये देखिए, एंड यहाँ पे आपको रीस्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है, फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन मिल जाता है। एंड यहाँ पे देखिए आपको SOS का ऑप्शन मिल जाता है, तो इमरजेंसी केस में दोस्तों आप यहाँ से देखिए कॉल डायल कर सकते हो, ये देखिए। तो यहाँ पे आपको देखिए रीसेंट कॉल का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप देखिए कॉन्टैक्ट भी सेव कर सकते हो अपने स्मार्ट वॉच में। एंड यहाँ पे आपको डायलर मिल जाता है, तो कॉल आप डायल कर सकते हो। यहाँ पे देखिए आपको डायलर मिल जाता है इस वॉच में। एंड यहाँ पे देखें तो आपको BP का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको गेम का ऑप्शन मिल जाता है, तो एक गेम आपको मिल जाती है इस वॉच में। एंड इसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाते हैं, तो आउटडोर वाले यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड अलग से दे रखे हैं। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो इनडोर वाले जो स्पोर्ट्स मोड है वो यहाँ पे अलग से दे रखे हैं, तो अलग अलग दे रखे हैं दोनों ही स्पोर्ट्स मोड। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो फाइंड फ़ोन का ऑप्शन आपको इस वॉच में देखने को मिल जाता है। एंड इसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको देखिए शट डाउन का ऑप्शन मिल जाता है, एंड यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए आपको ये ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये वही प्लेयर दे रखा है जो कि आप वीडियो प्लेयर में यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखिए आपको बॉडी का टेम्परेचर का भी ऑप्शन मिल जाता है। एंड इसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए UV रेज और एयर प्रेशर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है आपको इस वॉच में। एंड यहाँ पे देखिए आप लोकेशन अपनी सेट कर सकते हो। एंड इसके बाद यहाँ पे देखें तो ब्रीदिंग की एक्सरसाइज का कुछ ऑप्शन दे रखा है। एंड यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन कुछ दे रखा है, ये ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हो ऐप के थ्रू अपने वॉच में। एंड यहाँ पे हार्ट रेट का ऑप्शन मिल जाता है, ये वॉच स्क्रीन होम स्क्रीन पे आ गई है वॉच। एंड इसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी आपको कुछ हेल्थ वाला ऑप्शन मिल जाता है। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके बाद यहाँ पे देखिए वॉइस असिस्टेंट का भी ऑप्शन आपको इस वॉच में देखने को मिल जाता है, तो वॉइस असिस्टेंट भी आप यूज़ कर सकते हो इस वॉच में, ये देखिए। एंड इसके बाद यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप कॉल की सेटिंग कर सकते हो, इनकमिंग कॉल में वाइब्रेशन रखनी है अपने म्यूट रखना है। यहाँ पे आपको SP2 का ऑप्शन मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको एक्टिविटी की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एंड यहाँ पे देखिए आपको अलार्म मिल जाता है, अलार्म सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको कैलकुलेटर मिल जाता है इस वॉच में। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो रिमोट कैमरे का ऑप्शन मिल जाता है आपको इस वॉच में। एंड यहाँ पे देखिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे देखिए आपको ये मिल जाता है, टास्क सेट कर सकते हो आप यहाँ पे। एंड इसके बाद यहाँ पे देखें ऑप्शन, तो यहाँ पे देखिए आपको प्रेशर मिल जाता है, एयर प्रेशर कितना है। इसके बाद यहाँ पे देखें तो स्लीपिंग का ऑप्शन मिल जाता है, स्लीपिंग मोड। एंड इसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको ऑफ स्क्रीन वाला ऑप्शन मिल जाता है, स्क्रीन ऑन टाइम। एंड इसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए आपको सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एंड इसके बाद यहाँ पे देखिए तो स्टॉप वॉच आपको मिल जाती है। एंड यहाँ पे देखिए बैरोमीटर एंड ऑल्टीमीटर कुछ मिल जाता है इस वॉच में। एंड इसके बाद यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन आपको वॉच में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस वॉच में काफ़ी सारे फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं, एंड UI भी काफ़ी स्मूथ आपको इस वॉच में देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों ऐप में भी सारे ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग से देखें तो यहाँ पे आपको होम का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे देखिए आपको स्टेप्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कैलोरीज, डिस्टेंस, एंड यहाँ पे आपको हार्ट रेट, स्लीप मॉनिटरिंग का डाटा आपको मिल जाता है। एंड यहाँ पे देखिए आपको SP2 लेवल कितना था आपका, उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ पे आपको देखिए फटीग का मिल जाता है, कितना आपका बॉडी प्रेशर था। यहाँ पे आपको फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो काफ़ी सारे आपको हेल्थ पैरामीटर यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे आपको एक्सरसाइज का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से आप देखिए रनिंग की, वॉकिंग की, साइकिलिंग की जो ट्रेनिंग वगैरह आप स्टार्ट कर सकते हो, ये देखिए। इसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, स्पोर्ट्स की न्यूज़ वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाती है। एंड इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको डिवाइस की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो यहाँ पे देखिए वॉच अभी हमारी फ़ोन से कनेक्टेड है, 46% हमारी वॉच चार्ज है। यहाँ से आप देखिए वॉच को रिमूव या ऐड कर सकते हो। एंड इसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे स्टेप्स, कैलोरीज, कितना डिस्टेंस आप चले हो वो सब आपको मिल जाएगा।
एंड यहाँ पे देखिए ऐप में आपको काफ़ी सारे जो वॉच फेसेस है वो मिल जाते हैं, तो यहाँ से आप काफ़ी सारे जो वॉच फेसेस है वो अपडेट कर सकते हो अपने स्मार्ट वॉच में। ये देखिए काफ़ी सारे वॉच फेसेस हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे देखें तो काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो यहाँ पे देखें तो यहाँ से देखते हैं, देखिए तो यहाँ पे देखिए आप जो एप्लीकेशन है वो यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी एप्लीकेशन अगर आप इंस्टॉल करोगे तो ये सारी एप्लीकेशन आपकी जो स्मार्ट वॉच है उसमें अनेबल हो जाएगी, अभी वो डिसेबल थी। एंड इसके बाद यहाँ पे देखें तो नोटिफिकेशन आप यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ से देखिए आप नोटिफिकेशन ऑन करोगे तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जीमेल के आपको नोटिफिकेशन आपकी स्मार्ट वॉच में मिल जाएंगे, तो वो नोटिफिकेशन आपने यहाँ से ऑन करने हैं। एंड यहाँ से दोस्तों आप जो कॉन्टैक्ट्स है वो सेव कर सकते हो अपने स्मार्ट वॉच में, तो देखिए सारे कॉन्टैक्ट आप ऐड कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपको बिजनेस कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से दोस्तों आप वेदर की इन्फॉर्मेशन को अनेबल कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखिए फाइंड डिवाइस का ऑप्शन मिल जाता है, तो अगर आपकी वॉच नहीं मिल रही है तो आप अपनी वॉच भी फाइंड कर सकते हो, वॉच जो है वाइब्रेशन करने लग जाएगी। एंड इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको रिमाइंडर्स मिल जाते हैं, सेडेंट्री अलार्म, ड्रिंकिंग रिमाइंडर, यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी सारे रिमाइंडर आपको मिल जाते हैं, एक्सरसाइज रिमाइंडर, रीडिंग रिमाइंडर, मेडिसिन रिमाइंडर, ट्रैवल रिमाइंडर, तो यहाँ से आप रिमाइंडर्स जो है वो अनेबल कर सकते हो अपनी वॉच में। एंड इसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पे आपको देखिए ये वाला ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से आप वॉलेट भी लिंक कर सकते हो, अलीपे, पेपाल वगैरह। एंड इसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको रिमोट कैमरे का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप वॉच को एज अ रिमोट भी यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको NFC का ऑप्शन मिल जाता है, तो NFC वाला फीचर आप यहाँ से देखिए ऐप के थ्रू अपनी वॉच में अनेबल कर सकते हो। एंड इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए आपको ये वाला फीचर मिल जाता है, तो यहाँ से आप कंटिन्यूअस हार्ट रेट यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको रिस्ट टू राइज वाला फीचर मिल जाता है। एंड यहाँ पे देखिए आप 12 आवर्स या 24 आवर्स वाले टाइम की सेटिंग कर सकते हो इस ऐप के थ्रू। एंड यहाँ पे देखें तो आपको अपडेट वाला ऑप्शन मिल जाता है, तो वॉच को आप चाहो तो अपडेट कर सकते हो, तो ऑलरेडी हमने वॉच को अपडेट कर लिया था, तो अभी हम लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे कुछ ये मोबाइल ऐप आपको देखने को मिल जाती है, एंड मोबाइल ऐप में भी आपको काफ़ी सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं। एंड दोस्तों ऐसा कुछ लुक आपको मिल जाता है जब आप वेयर करते हो इस वॉच को, और दोस्तों देखने में वॉच काफ़ी प्रीमियम लुक देती है, बिल्कुल ही एग्जैक्टली ओरिजिनल एप्पल वॉच 8 अल्ट्रा ही ये वॉच लग रही है। एंड हाथों में इसकी फिटिंग भी काफ़ी कंफर्टेबल है। एंड यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखोगे तो जो रिस्ट टू राइज वाला जो फीचर है, जो वेकअप स्क्रीन वाला फीचर है, वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, बिल्कुल भी मिस नहीं हो रहा है, ये देखिए। तो चलिए दोस्तों अभी अपना हार्ट रेट रीड करके देखता हूँ मैं, देखते हैं कि ये वॉच मेरा हार्ट रेट कितना दिखाती है। तो यहाँ पे देखिए मेरा हार्ट रेट जो आ रहा है इस वॉच में, देखिए 76 BPM के आसपास ये वॉच मेरा हार्ट रेट बता रही है। बट यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इस वॉच में आपको कोई भी सेंसर देखने को नहीं मिलता है, इसमें कोई भी सेंसर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको बैक साइड लाइट्स देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको रेड कलर की LED लाइट्स देखने को मिल जाती है, बट यहाँ पे कोई भी आपको हार्ट रेट सेंसर या SPO2 सेंसर देखने को नहीं मिलता है। तो जितनी भी हेल्थ रीडिंग आपको इस वॉच में मिलती है वो पूरी तरह से फेक है, कोई भी रीडिंग आपको यहाँ पे हेल्थ रीडिंग एक्यूरेट नहीं मिलती है इस वॉच में। तो यहाँ पे दोस्तों अभी हम चेक कर लेते हैं कि स्पीकर आपको इस वॉच में कैसा मिलता है, कैसी स्पीकर की क्वालिटी है, तो एक नंबर अभी हम डायल करके चेक कर लेते हैं। वेलकम टू जियो पंजाबी विच जारी रखने ले एक नंबर हिंदी में जारी रखने के लिए दो दबाए तो कंटिन्यू प्रेस थ्री गुजराती माटे चार दबाओ अहमिया बाबे पास टाइम करो बांग्लू जानते खोले तो यहाँ पे दोस्तों आपको इस वॉच में स्पीकर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे जो आउटपुट है साउंड की वो भी काफ़ी लाउड एंड क्लियर है। तो यहाँ पे दोस्तों आप काफ़ी अच्छे लेवल की ब्लूटूथ कॉलिंग भी कर सकते हो इस वॉच में। तो दोस्तों ऐसा कुछ कॉल नोटिफिकेशन आपको इस वॉच में देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से दोस्तों आप स्लाइड करके कॉल को रिसीव भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप चाहो तो कॉल को डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो, ये जो दो बटन दे रखे हैं साइडों में, अगर आप यहाँ पे इन दोनों को देखिए डबल प्रेस करते हो क्राउन बटन को, तो यहाँ पे देखिए आप कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आपने कॉल को रिसीव करना है तो अगर आप इसे स्लाइड करते हो तो देखिए दोस्तों आप ऐसे कॉल को रिसीव कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको स्पीकर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, जो कि काफ़ी लाउड एंड क्लियर है। एंड यहाँ से देखिए आप वॉल्यूम को भी देखिए कम ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आपको ऐसा कुछ वायरलेस चार्जर इस वॉच के साथ देखने को मिल जाता है, एंड इसकी वायर भी काफ़ी लंबी आपको देखने को मिल जाती है। एंड दोस्तों इस वायरलेस चार्जर में मैग्नेट भी दे रखा है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए वॉच की बैक साइड देखिए ऐसे चिपक जाता है, एंड आप देखिए फिर वॉच को चार्ज कर सकते हो। एंड ये वायरलेस चार्जर काफ़ी अच्छे से काम करता है, एंड यहाँ पे जो चार्जिंग स्पीड है वो भी काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है। एंड आपने इसको कनेक्ट करना है, देखिए पावर बैंक से आप कनेक्ट कर सकते हो, एंड या फिर आप मोबाइल का चार्जर भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों अभी हमारी जो वॉच है वो चार्ज होने लगी है। एंड यहाँ पे आपको इस वायरलेस चार्जर में एक ग्रीन कलर की LED लाइट भी देखने को मिल जाती है, ये देखिए। तो ऐसा कुछ आपको इस वॉच में वायरलेस चार्जर मिल जाता है। एंड यहाँ पे जो इस वॉच का बैटरी बैकअप है वो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है।
एंड यहाँ पे दोस्तों आपको इस ऐप में काफ़ी सारे वॉच फेसेस देखने को मिल जाते हैं जिनको आप अपडेट कर सकते हो अपने स्मार्ट वॉच में। तो चलिए दोस्तों एक वॉच फेस अपडेट करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों ये वॉच फेस अभी हमने अपडेट किया था और देखिए अपडेट हो चुका है और देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे आपको दोस्तों डिस्प्ले काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है इस वॉच में, काफ़ी बड़ी डिस्प्ले आपको मिल जाती है, 2 इंचेस की डिस्प्ले आपको इसमें मिल जाती है। एंड यहाँ पे अगर आप साइडों में बेजल देखोगे तो साइड बेजल पर देखिए काफ़ी कम इस वॉच में आपको देखने को मिल जाते हैं एंड चारों तरफ से दोस्तों आपको एक जैसा बेजल देखने को मिलता है। मोस्टली नीचे की तरफ ज़्यादा बेजल होता है बट यहाँ पर डिस्प्ले में आपको देखिए नीचे की तरफ भी कम बेजल देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड डिस्प्ले में दोस्तों आपको यहाँ पर कलर कॉन्ट्रास्ट एंड ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ओवरऑल इस वॉच में आपको डिस्प्ले काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको इस वॉच में कस्टमाइज वॉच फेस का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो अगर आपने कस्टमाइज वॉच फेस सेट करने हैं तो देखिए आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों ऐसे आप इस वॉच में कस्टमाइज वॉच फेस भी सेट कर सकते हो, अगर आपने खुद की भी फोटो एज अ वॉच फेस लगानी है तो भी आप लगा सकते हो इस वॉच में। एंड दोस्तों ऐसा कुछ आपको इस वॉच में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर मिल जाता है। तो दोस्तों ऐसे आप देखिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी इस वॉच में एनेबल कर सकते हो। तो दोस्तों ये है N8 अल्ट्रा और दोस्तों काफ़ी अच्छा ये क्लोन वर्जन है एप्पल वॉच 8 अल्ट्रा का, बिल्कुल ही ओरिजिनल वॉच लग रही है। यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग की अगर मैं बात करूँ तो वॉच की बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे इसमें क्राउन बटन वगैरह भी काफ़ी अच्छे से वर्किंग है एंड यहाँ पे डिस्प्ले की क्वालिटी भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। बेजल भी डिस्प्ले में काफ़ी कम दिए गए हैं एंड यहाँ पे स्ट्रैप की क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। UI भी इस वॉच में काफ़ी स्मूथ आपको देखने को मिल जाता है एंड इस वॉच में आपको NFC भी मिल जाता है एंड काफ़ी सारे फीचर आपको इस वॉच में देखने को मिल जाते हैं, वायरलेस चार्जिंग भी आपको मिल जाती है। तो दोस्तों ये वॉच आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैंने डिटेल दे रखी है, अगर आपने इस वॉच को बाय करना है तो आप डिटेल चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना था, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड दोस्तों मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।